A very good morning to all of you. So today I'm going to share my interview experience with Indigo Airline. So mera interview tha 29th of May ko at Essex Farm Arbindo Mark, jo ki Delhi mein hai, as I'm also from Delhi itself. So hamara interview tha start 9 baje se, where we had to do our registration first. And aap believe nahi karenge, wahan pe itni bheed thi, matlab ki approximately 500 girls were reporting there. So हमारी turn, हम 8 बजे वहाँ पर पहुँच गए थे and we were waiting there in a small hall. Even जो girls थी वो adjust भी नहीं हो पा रही थी, इतने लोग तो वहाँ पर खड़े थे, बहुत भीड़ थी, as Indigo में तो होती है इतनी भी. तो हमारी मेरी turn, मेरा registration हुआ 345 serial number पर and then मेरी turn आई कम से कम 5 बजे शाम के, और मैं 8 बजे से 5 बजे तक वहीं बैठी थी. इतने बोर हो गए थे हम, इतने मतलब इतना, एक तो इतना छोटा हॉल था, वहाँ पे लड़कियाँ एडजस्ट भी नहीं हो पा रही थी, ऊपर से हमारा एनर्जी लेवल बिल्कुल डाउन हो चुका था क्योंकि बहुत लड़कियाँ थी, बहुत भीड़ थी. सो हमारा इंटरव्यू, मेरा इंटरव्यू आई मीन हुआ 9 बजे. तो फिर वहाँ पे 2 HR थे, एक रूम में 10 कैंडिडेट्स का एक साथ हो रहा था इंटरव्यू एंड 10 कैंडिडेट्स का एक साथ. दोनों HR फीमेल्स थी एंड वो लोग सबसे फर्स्ट राउंड हुआ वहाँ पे. उससे पहले HR ने मतलब 10 कैंडिडेट्स बैठे थे उधर, तो उनमें से फर्स्ट कैंडिडेट्स वाइज मतलब सबसे लाइन वाइज पूछ रहे थे कि टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ एंड ऑल. बट जो दूसरे HR के लिए कुछ और क्वेश्चन पूछ करी थी. तो हम लोग वहाँ पे बैठे थे, तो फिर फर्स्ट वी विश गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग एवरीवन. देन उन्होंने क्वेश्चन सेशन राउंड शुरू किया एंड वहाँ पे सब लड़कियाँ बहुत अच्छे से वेल ड्रेस्ड होके आई थी. बहुत अच्छा इन्वायरमेंट था एक तरीके से, बट जैसे जैसे सब कुछ लेट हो रहा था, डाउन, बहुत डाउन फील हो रहा था. सो हम उस रूम में बैठे थे, तो जो हमारे जो HR थी वो हमसे जो क्वेश्चंस पुट कर रही थी वो तो ठीक है, जो दूसरी HR क्वेश्चंस पुट कर रही थी वो हम सुन पा रहे थे. और वो बहुत ईजी क्वेश्चंस पूछ रहे थे, एज फर्स्ट राउंड तो बहुत ईजी होता है, तो हमारा भी फर्स्ट ही राउंड था. एज आई एम अ फ्रेशर, मेरा फर्स्ट टाइम इंटरव्यू था, फर्स्ट अटैम्प्ट था विद इंडिगो एयरलाइन. सो उन्होंने डिफरेंट कैंडिडेट से डिफरेंट क्वेश्चंस पूछे. उन्होंने फर्स्ट क्वेश्चन एक कैंडिडेट से पूछा कि वेयर डू यू लिव, डायरेक्टली उन्होंने यही पूछा. एंड देन उन्होंने बोला व्हाट आर योर हॉबीज, एंड देन उन्होंने मुझसे पूछा वेयर डू यू लिव, व्हाट आर योर हॉबीज, और भी कई क्वेश्चंस पूछे डिफरेंट कैंडिडेट से. तो वो क्या क्वेश्चंस थे और उनके उन्होंने आंसर क्या दी थी, जिससे वो इंटरव्यू इम्प्रेस हुई थी. एंड शी डिडंट इम्प्रेस बाय माय आंसर, आई डोंट नो व्हाई, बट आई थिंक गाइस आई कैन हेल्प यू आउट. सो इस वीडियो को लाइक करें सो दैट मैं आपको एक्सप्लेन कर सकूँ काफ़ी क्वेश्चंस जो वहाँ पे उन्होंने पुट किए थे कैंडिडेट से. सो थैंक यू सो मच.